एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को एक पिस्टल, एक जिंदा राउंड एवं कई एटीएम कार्डों सहित किया गिरफ्तार। फरियादी रमेश चंद्र यादव निवासी ग्राम खीरिया पुनावली थाना दिनारा ने रिपोर्ट की। मैं अपने तथा अपने दोस्त मणिराम कारपेंटर की पत्नी मिथिलेश के रुपए निकालने के लिए आया था। दिन के 2:30 बजे मैं करेरा में सहायता केंद्र के पास करेरा में SBI बैंक के ATM से रुपए निकालने के लिए गया तो मेरे पास में खड़े एक व्यक्ति ने मेरे दोस्त मणिराम की पत्नी मिथिलेश का ATM कार्ड छल पूर्वक बदल लिया। इसकी जानकारी पुलिस को दी। करेरा पुलिस द्वारा इसको चैलेंज के रूप में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन, परिवहन चोरी, अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के पालन में अति पुलिस अधीक्षक संजीव मुले के निर्देशन में एवं SDOP करेरा शिवनारायण मुकाती के कुशल मार्गदर्शन में थाना करेरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति गंभीर वारदात करने की नियत से खैराघाट तिराहे पर रिवॉल्वर लिए खड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर से एक व्यक्ति पकड़ा गया। आरोपी का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रतन कुंडू पुत्र गोपाल चंद्र कुंडू उम्र 35 साल निवासी ग्राम इटिया थोक तिलयानी रोड थाना इटिया थोक जिला गोंडा का होना बताया गया। उसके कब्जे से एक 32 बोर की पिस्टल तथा एक जिंदा राउंड बरामद हुआ और उसे पूछताछ की गई तो उसने दिनांक 21 अगस्त को कस्बा करेरा में छल पूर्वक ATM कार्ड बदलने की घटना स्वीकार की एवं उसके कब्जे से मिथिलेश का छल पूर्वक बदला गया ATM कार्ड तथा अन्य 12 ATM कार्ड बरामद किए गए। बरामदगी कार्डों के संबंध में बताया जा रहा है कि जगह जगह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में घूमकर ATMों से ग्राहकों का झांसा देकर ATM कार्ड बदल लेता हूं और फर्जी ATM कार्ड दे देता हूं तथा ओरिजिनल ATM कार्ड से पैसे निकाल लेता हूं। अभी तक कई जगह वारदात घटित कर चुका हूं। अन्य मामलों के संबंधों में पूछताछ की जा रही है। आरोपी पर 16 मुकदमे संबंधित थाने में दर्ज है। थाना प्रभारी करेरा सुरेश शर्मा, उप निरीक्षक KP शर्मा, प्रवीण त्रिवेदी, सोनू श्रीवास्तव, हरेंद्र गुर्जर आदि की भूमिका अहम रही। संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। सर यादव खिरिया पुनावली थाना दिनारा रिपोर्ट किया। 21 आठ को ये लोग अपने दोस्त मणिराम कारपेंटर की पत्नी मिथिलेश का रुपया निकालने के लिए ATM गए थे। करेरा सहायता केंद्र के पास SBI के ATM रुपये निकालने के लिए गए तो एक अज्ञात व्यक्ति पहले से वहाँ खड़ा था। उन्होंने ATM को जो है छलपूर्वक बदल दिया। उसके बाद वहाँ से वो चला गया, उनके साथ धोखाधड़ी से पैसे निकाले और चला गया। इस पर थाना करेरा में अपराध पंजीबद्ध किया और विवेचना में लेकर हमारे शर्मा जी जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अभियान चल रहा है, अवैध शराब, धुआं सट्टा, उत्खनन, चोरी, धरपकड़, जीरो टॉलरेंस का चल रहा है, उसमें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और हमारे मार्गदर्शन में करेरा पुलिस को शाम को 24:08 को सूचना मिली कि एक व्यक्ति खैराघाट चिराए पर रिवॉल्वर लिए खड़ा हुआ है, कोई वारदात के उसमें गंभीर वारदात करने के उस मारे। हमारे TI साहब जो है शर्मा जी ने अपने स्टाफ के साथ त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास से एक 32 बोर का पिस्टल एवं एक गिंदा राउंड बरामद किया और उसके पास से जो घटना में बदला ATM था वो 12 ATM उसके पास मिले। जो ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड देखने में पता चला कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ 14 मामले पहले से पंजीबद्ध हैं। इस प्रकार करेरा पुलिस द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई। इसके लिए मैं करेरा TI साहब और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। जो आरोपी है सर ऐसे ATM बदल के निकाले हो? निकाल नहीं पाए, ऐसे नहीं निकाल। ATM उसे बदला था, निकाल नहीं पाया। आरोपी कहाँ की? ये गोंडा जिले का उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। नाम है रतन कुंडू पुत्र गोपाल चंद कुंडू 35 साल निवासी ग्राम इटिया थोक तिलियानी रोड थाना इटिया थोक जिला गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसका आधार कार्ड भी है, उसके आधार पर इसकी तस्दीक भी की।